नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में नई एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे नीतीश कुमार गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके आरजेडी का साथ छोड़ करके फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं और बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार में डिप्टी सीएम बने हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के 2024 लोकसभा का चुनाव भी बिहार बीजेपी लड़ेगी और फिर 2025 विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों नेता जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, एनडीए सरकार में जो दोनों डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों एक समय में नीतीश कुमार के प्रखर विरोधी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी से जो आज मुलाकात हुई है, करीब 4 महीने के बाद जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई, आपको बता दें कि जब G20 का सम्मेलन हुआ था देश भर में पूरा उत्सव था और विदेशों के जो मेहमान आए थे उस रात्रि भोज में नीतीश कुमार को भी आमंत्रण भेजा गया था और नीतीश कुमार उस रात्रि भोज में नरेंद्र मोदी से मिले थे और उसके बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिले हैं। उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा थे लेकिन आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिले तो बिहार को लेकर के तमाम मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई होगी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर के भी चर्चा हुई होगी। कैसे वो दोनों नेता जो बीजेपी के सबसे मजबूत नेता हैं आज के समय में और एनडीए की सरकार में दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों नेता कैसे तालमेल बनाएंगे नीतीश कुमार के साथ। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जब थी तो सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पहले थे और जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तब से वो नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष थे पहले एनडीए की सरकार में, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था तो बिहार विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हो गए थे, बीजेपी के नेता के रूप में वहां पे उनको स्थापित किया गया था और पूरे बिहार में घूम घूम करके महागठबंधन सरकार की आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब दोनों नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार के साथ है और इन दोनों नेताओं को लेकर के भी नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया होगा कि बिहार में अच्छे से एनडीए की सरकार चलेगी। आपको बता दें कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से 1.5-2 साल के अंतराल में ही उन्होंने गठबंधन बदला, आपको बता दें कि इस बीच में अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, इन सभी नेताओं के ऊपर, चाहे जेडीयू बीजेपी के नेताओं के ऊपर आक्रमण कर रही थी, बयानबाजी कर रही थी, तो जेडीयू के नेता बीजेपी और बीजेपी के नेता जेडीयू के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सही हो गया है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। अब दोनों के बीच में जो गिला शिकवा बना हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। कैसे बिहार को आगे ले जाया जाएगा, कैसे बिहार में एनडीए की सरकार चलाई जाएगी, इन सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत ज़रूर हुई होगी। कैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को साथ लेकर नीतीश कुमार चलेंगे, इसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 20 मिनट तक नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की बातचीत हुई और इस बैठक में कोई भी नेता मौजूद नहीं, ललन सिंह मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि यानी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुलाकात किए हैं, दोनों नेता अकेले में मुलाकात किए हैं, यानी कि बिहार को लेकर के तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई होगी। कैसे सीट शेयरिंग होगा, कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी को सीट को लेकर के कंफर्मेशन देंगे, कैसे जेडीयू अपनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कौन कौन से सीटों के ऊपर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, कौन कौन से सीटों के ऊपर जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारने जा रही हैं, चिराग पासवान का क्या होगा, पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, इन सभी राजनीतिक हलचलों के ऊपर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत ज़रूर हुई होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में पहले से ही काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2013-14 का जब समय था उस वक्त भी नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दिए थे और फिर 2022 में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़े और फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ है।
अब नीतीश कुमार की दोस्ती बन चुकी है और जो पुरानी दोस्ती थी वो फिर से झलक रही है। अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो गिला शिकवा था वो खत्म हो चुका है, कहीं कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के ऊपर भी ज़रूर बातचीत हुई होगी, कैसे दोनों नेता नीतीश कुमार का मदद करेंगे, कैसे बिहार सरकार को चलाने में मदद करेंगे, कैसे दोनों नेता मिलकर के एनडीए को मजबूत करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के जिम्मे ही एनडीए है। आपको बता दें कि एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं और बीजेपी के मुखिया बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। अब वो दोनों नेताओं के ऊपर नीतीश कुमार को साथ देने का जिम्मेदारी होगा, नरेंद्र मोदी के विज़न को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। नीतीश कुमार को खुश भी रखना है और बिहार को आगे भी बढ़ाना है, साथ साथ बीजेपी को भी मजबूत करना है। ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने चुनौती तो ज़रूर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री से आज इन सारे मुद्दों के ऊपर नीतीश कुमार ज़रूर बातचीत कर लिए होंगे। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।